आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाई स्टार्टर यूज इन ट्यूबलाइट, मतलब कि ट्यूबलाइट में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम स्टार्टर से जुड़े और भी कई सारे सवाल के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमसे कई बार इंटरव्यू के अंदर यह भी क्वेश्चन किया जाता है कि जब हम हमारी ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तब तो हमको स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, अगर हम स्टार्टर को निकाल देंगे तो ट्यूबलाइट ऑन ही नहीं होगी। लेकिन एक बार ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में अगर मैं स्टार्टर को निकाल भी दूँ, मतलब सर्किट से पूरी तरीके से हटा देता हूँ, तो भी हमारी ट्यूबलाइट क्यों चलती रहती है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी आप आज के इस वीडियो के अंदर जान जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली और बेसिक सी चीज कि जो स्टार्टर होता है ना, इसके नाम से ही हमको इसके आधी वर्किंग पता चल जाएगी। जैसे कि इसका नाम क्या है, स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर होता है हमारी चीज को स्टार्ट करने वाला। जैसे कि हम सभी बाइक कार ये सब चलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम सभी देखते हैं सेल्फ स्टार्ट। तो वो क्या है, सेल्फ स्टार्ट, जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वो भी हमारा एक तरह का स्टार्टर ही है। तो वो स्टार्टर का क्या काम होता है, वो हमारी गाड़ी को सिर्फ स्टार्टिंग में ऑन करने का काम करता है। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में, मतलब पूरी गाड़ी को मैं चला लूंगा, उसके बाद मैं अगर मैं स्टार्टर को दबाता भी रहूंगा ना तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मेरी उस गाड़ी से स्टार्टर को हटा भी दूं, मेरी बाइक से स्टार्टर को हटा भी देता हूं, तो भी मेरी बाइक बंद नहीं होगी, क्योंकि जो स्टार्टर का काम है वो सिर्फ स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का ही है। और इसी तरह सेम हमारी ट्यूबलाइट के अंदर भी स्टार्टर का काम यही होता है, हमारी सिर्फ ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने का। लेकिन आप यह जवाब इंटरव्यू के अंदर नहीं बोल सकते, यह सिर्फ हमारे बेसिक डाउट को क्लियर करने के लिए कि स्टार्टर होता क्या है। अब दोस्तों हम इसके बाद में स्टार्टर को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग को भी समझ लेंगे। तो दोस्तों अगर हम इस स्टार्टर को ओपन करके देखें तो यह इस स्टार्टर की बॉडी हटा लेने के बाद में आपको ये स्टार्टर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आपको इस स्टार्टर में दो चीजें देखने को मिलेगी, और अगर आप इसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इस स्टार्टर को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे अगर आप इस स्टार्टर को ओपन करके देखते हैं तो इसमें भी आपको दो चीज देखने को मिलती है। नंबर वन जो ये है दोस्तों हमारा नियॉन बल्ब, और ये दूसरा है ये है हमारा कैपेसिटर। इन दोनों की वर्किंग अलग अलग है, लेकिन हमारे इस स्टार्टर में जो मुख्य काम जो करता है वो हमारा ये बल्ब करता है, जिसको हम बोलते हैं नियॉन बल्ब। इसके बाद में दोस्तों यह जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आप कुछ इस तरीके समझ सकते हो, यह कैपेसिटर हमारे अनवांटेड जो भी चीजें होती है उसको फिल्टर करने का काम करता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, हमारे जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर की लाइफ को बढ़ाने के लिए, यह स्टार्टर लंबा चले, इसके लिए हमारे कैपेसिटर लगा रहता है। तो अभी के लिए हमें इस स्टार्टर के ऊपर बात नहीं करनी, हमें ज्यादा फोकस है नियॉन बल्ब के ऊपर करना है कि आखिर यह जो हमारा नियॉन बल्ब है ये किस तरीके से हमारी इतनी बड़ी ट्यूबलाइट को स्टार्ट कर लेता है। तो दोस्तों इस स्टार्टर की वर्किंग भी काफी ज्यादा आसान होती है, लेकिन जब तक हमको यह नहीं पता होता तब तक हमको ये काफी डिफिकल्ट लगती है। इसी स्टार्टर का एक और चित्र मैंने यहाँ बना दिया है। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम नियॉन बल्ब। अब इसको नियॉन बल्ब क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, इस कांच के अंदर जितना भी एरिया है उसके अंदर हमारी फिलिंग कर रखी है क्या, नियॉन गैस। तो जो नियॉन गैस भर के, उस नियॉन गैस भरे होने के कारण ही इसको हम नियॉन बल्ब बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज, यह जो हमारा बल्ब होता है ना, इसी के अंदर हमारा एक बायोमेटलिक कॉन्टैक्ट होता है। इस कॉन्टैक्ट को अगर मैं आपको और आसानी समझाऊं तो आपको ये जो हमारा बल्ब दिख रहा है ना, इस बल्ब के बाहर आपको दो लेग दिखती हुई दिख रही होगी। इस बल्ब से हमारे दो वायर आ रहे हैं, तो ये जो दोनों वायर है ना, ये दोनों वायर हमारे अंदर जाके क्या हो रहे हैं, ये हमारे दो वायर बल्ब के बाहर आ रहे हैं। जबकि अंदर क्या है, अंदर कुछ इस प्रकार से, एक बल्ब जो है वो हमारा इस तरीके से बायोमेटलिक है और एक बल्ब है हमारा स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट तो हमारा बिल्कुल फिक्स है, ये हमारा बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। ये जो है ये एक तरह का फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, ये हमारा है सेकंड कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो है ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये हमारा बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जो सेकंड कॉन्टैक्ट है ना, ये सेकंड कॉन्टैक्ट हमारा मूवेबल है। अब ये मूव कब होता है, तो यह मूव होता है हमारे हीट के द्वारा। अब हम में से कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे कि आखिर ये अब नया वर्ड हीट कहाँ से आ गया। तो दोस्तों इन सभी चीजों को सबसे पहले आप 10 सेकंड के लिए भूल जाइए, आप वापस से हमारी बाइक के ऊपर आइए। हम जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर सेल्फ स्टार्ट को दबाते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट को दबाते हैं, जिसके कारण हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन हमारी ट्यूबलाइट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई स्टार्टर नहीं है जिसको हम बार बार सेल्फ स्टार्ट के द्वारा दबाएंगे। तो दोस्तों वहां पर हमारी बाइक के अंदर तो हम मैनुअली उस स्टार्टर को हाथ से दबा देते हैं, हमारे अंगूठे से दबा देते हैं, लेकिन इस ट्यूबलाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ट्यूबलाइट के अंदर जो वर्किंग बनाई गई ना, वो हमारी हीट के द्वारा बनाई गई। मतलब कि हम जो बाइक के अंदर स्टार्टर को हाथ से दबा रहे हैं, वही चीज हमारी इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर है उसके अंदर हम वही चीज हीट के द्वारा कर लेंगे। मतलब कि हमारी गर्मी के कारण हम वही सारी चीजें कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो वो भी काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए हमको सबसे पहले ट्यूबलाइट की वर्किंग को समझना पड़ेगा।
ट्यूबलाइट की वर्किंग को अच्छे समझने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे एक चित्र बनाया है। उसके पहले मैं यहाँ पे खुद अपने तौर पे यहाँ पे एक चित्र बना देता हूँ, फिर उसके द्वारा हम इस ट्यूबलाइट की वर्किंग को आसानी समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बना दिया है ट्यूब। यह जो ट्यूब है, यही ट्यूब हमें रोशनी देती है। इस ट्यूब के अंदर हमारी आर्गन गैस भरी होती है या फिर हमारी क्रिप्टॉन गैस भरी होती है। तो ये भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो ज्यादा अगर हमारे आर्गन गैस और किसी किसी ट्यूबलाइट में कम मात्रा में हमारी क्रिप्टॉन गैस भी भरी होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी ट्यूबलाइट के अंदर लिक्विड मर्क्यूरी भी डाली जाती है। तो यह चीजें भी आपको इंटरव्यू के हिसाब से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, हमने यह ट्यूबलाइट तो बना दी। अब इसके बाद में क्या होता है? अब दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में रहता है एक फेस और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। एक फेस और न्यूट्रल वायर रहता है और हमारे पास में क्या रहता है, एक होता है दोस्तों हमारे पास में चौक। तो मैं ये बना देता हूँ चौक। अब दोस्तों इसके कनेक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फेस वायर को डालते हैं हमारे चौक के अंदर और चौक से हमारा वापस से जो वायर निकलता है उस वायर को हमारी जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के अंदर हमको पता है कि चार कॉन्टेक्ट होते हैं, नंबर वन, नंबर दो, नंबर तीन, ये चार कॉन्टेक्ट है। तो सबसे पहले हमारे फेस वायर को किसी भी साइड के एक कॉन्टेक्ट में डाल देते हैं और दूसरे कॉन्टेक्ट से हमको वापस से फेस मिल जाता है, क्योंकि यह जो हमारा कॉन्टेक्ट है ना, ये अंदर से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों कॉन्टेक्ट है इधर के दोनों आपस में जुड़े होंगे और ट्यूबलाइट में इधर के जो दोनों कॉन्टेक्ट है ये भी आपस में जुड़े होते हैं। और दोस्तों सेम इसी तरह हमारे न्यूट्रल के अंदर भी यही होता है। हम न्यूट्रल को क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रल को डायरेक्ट ले लेते हैं, पर न्यूट्रल को जैसे फेस को तो हमने चौक के अंदर डालता है, न्यूट्रल को किसी में नहीं डालते, न्यूट्रल को डायरेक्ट हमारे ट्यूबलाइट के एक कॉन्टेक्ट में डालते हैं और दूसरे कॉन्टेक्ट से हमको न्यूट्रल भी मिल जाता है। तो हमको फेस यहां पे मिल गया और न्यूट्रल हमको यहां पे मिल गया। अब कई लोगों के मन में यहां पे सवाल आएगा कि आखिर हमने फेस यहां पे दे दिया और न्यूट्रल यहां पे दे दिया तो भी हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट क्यों नहीं हुई। और दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सवाल आए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके मन में यह सवाल आ गया तो आप इसकी वर्किंग आगे और भी आसानी समझ जाओगे। यह ट्यूबलाइट हमारी अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि इस ट्यूबलाइट के अंदर दोस्तों जो गैस भरी हुई है ना, उस गैस को हमारी वेपराइज होने के लिए काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की आवश्यकता है। एक बार हमारी इस ट्यूबलाइट को काफी ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट से वोल्टेज आ रहे हैं वो तो 230 ही वोल्टेज आ रहे हैं। तो यह जो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है ना, वो हमें उस स्टार्टर से ही मिलेंगे। तो अभी उसकी वर्किंग भी हम समझेंगे, लेकिन बस अभी आपको एक चीज यह याद रखनी है कि हमारी ट्यूबलाइट अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि इस ट्यूबलाइट को अभी स्टार्टिंग केस में काफी ज्यादा वोल्टेज होते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो वोल्टेज है वो सिर्फ 230 वोल्टेज ही है। तो इसलिए हमारी ट्यूबलाइट अभी स्टार्ट नहीं होगी। तो हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होगी तो हमारा फेस जो है वो फेस भी हमारे पास डायरेक्ट इधर मिल जाएगा और हमारे पास जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल भी हमको इधर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अब जो हमारा फेस ये था वो फेस हमारा चौक से होता हुआ ट्यूबलाइट से घूमता हुआ यहाँ पे डायरेक्ट आ गया और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल भी ट्यूबलाइट से घूमता हुआ डायरेक्ट हमारे पास यहाँ आ गया। तो अब हमारे पास में जो फेस और ये न्यूट्रल है, ये फेस और न्यूट्रल हमारे पास डायरेक्ट आके जुड़ जाएंगे हमारे स्टार्टर के अंदर। ये स्टार्टर के अंदर दो कॉन्टेक्ट होते हैं, इन दोनों कॉन्टेक्टर में लाके हमारे ये फेस और न्यूट्रल जुड़ जाएंगे और ऐसा होते ही हमारे इस स्टार्टर की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों स्टार्टर की वर्किंग को अच्छे से समझने के लिए मैं वापस से आपको एक और चीज बता दूं। अभी हम स्टार्टर के केस में यही समझेंगे कि इसके अंदर सिर्फ नियॉन बल्ब है, क्योंकि कैपेसिटर का काम मैंने आपको बता दिया, वो सिर्फ फिल्टर करने का काम करता है जिससे हमारे जो स्टार्टर स्टार्टर की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए अभी आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि स्टार्टर के अंदर हमारे एक नियॉन बल्ब होता है। तो अभी जो हमारा नियॉन बल्ब होता है, उस नियॉन बल्ब के अंदर क्या होते हैं, हमारे दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है हमारा मूवेबल और एक होता है फिक्स। तो यही दोनों चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा मूवेबल कॉन्टेक्ट और ये हो गया हमारा फिक्स कॉन्टेक्ट। और दोस्तों इतना होती है, हमारी ट्यूबलाइट का जो डायग्राम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुका है। और अगर कभी आपको यही ट्यूबलाइट का डायग्राम कहीं और बनाना है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप एक कैपेसिटर को भी जोड़ देंगे, लेकिन अभी ये समझने के केस में हम कैपेसिटर को हटा रहे हैं। अब दोस्तों इस डायग्राम के बना लेने के बाद में नेक्स्ट हम ट्यूबलाइट और स्टार्टर की वर्किंग के ऊपर आ जाते हैं। और इसी ट्यूबलाइट और स्टार्टर की वर्किंग को अच्छे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक और चित्र आपके सामने लिया है। अब दोस्तों जैसे ही हम इस ट्यूबलाइट के अंदर यहाँ पे फेज देते हैं तो क्या होता है, हमको पता है फेज देते क्या होगा, हमारा जो करंट है वो करंट और वोल्टेज फ्लो होंगे इस वायर के द्वारा। तो हमने क्या किया, हमारे फेज को लाके इस जगह जोड़ा और न्यूट्रल हमने इस जगह जोड़ा। तो अब दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा जो फेज है ये आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, इस एरो का मतलब यही है कि हमारा जो करंट है वो करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी क्या होगा, हमारे इस फेज वायर के द्वारा हमारे करंट फ्लो होगा। अब सबसे पहले करंट हमारे चौक से होते हुए मतलब ब्लास्ट से होते हुए निकल जाएगा, अब इसके बाद में हमारे ये ट्यूबलाइट के पास में पहुंच गया। और आगे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी हुई है, आर्गन गैस भरी हुई है, इसको स्टार्ट होने के लिए काफी ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है, लेकिन अभी हमारे पास में इतने ज्यादा वोल्टेज नहीं है, अभी हमारे पास में सिर्फ 230 वोल्टेज है। तो अभी हमारे जो फेस के अंदर का वोल्टेज और करंट है वो हमारे ट्यूबलाइट के अंदर फ्लो नहीं होगा, ये हमारी ट्यूबलाइट ग्लो नहीं होगी, हमारा फेस जो है वो फेस डायरेक्ट आगे चले जाएगा। तो इस चित्र के केस में भी आपको जो फेस है वो फेस यहाँ से आगे निकलता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जब फेस यहाँ से निकलेगा तो फिर बाद में फेस इस एरो से होते हुए आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे वापस से सेम वही चीज स्टार्टर के पास में आ गया और सेम चीज न्यूट्रल में भी होगी और न्यूट्रल भी हमारा यहाँ पे आके रुक जाएगा।
अब दोस्तों जब हमारा फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आके रुका, तब नेक्स्ट चीज क्या होगी? नेक्स्ट चीज होगी दोस्तों यहाँ पे हमारी स्पार्किंग जनरेट। अब ये स्पार्किंग जनरेट क्यों होगी, यहीं पे कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्पार्किंग इसलिए जनरेट होगी क्योंकि हम सभी को पता है एक फेस और एक न्यूट्रल है। अब मैं इस फेस और न्यूट्रल को पास पास लाऊंगा, अगर मैं इसको जोड़ ही दूंगा तब तो शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन अगर इस फेस और न्यूट्रल को मैं बिल्कुल पास ला के छोड़ दूं तो क्या होगा, ये फेस न्यूट्रल आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे। हम सभी को पता है बिजली अपनी तरफ हमें खींचती है, तो सेम वही चीज यहाँ पे होगी। हमारा जो फेस और न्यूट्रल जब करीब आ जाएगा तो हमारे यहाँ पे एक स्पार्किंग जनरेट होगी, क्योंकि हमारा फेस और न्यूट्रल है वो काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं इस स्टार्टर के अंदर लगे बल्ब के कॉन्टेक्ट के द्वारा। अब दोस्तों जब ये फेस न्यूट्रल इतने पास में आ जाएंगे और जब इसमें इतनी सारी स्पार्किंग होगी, तो इस स्पार्किंग होने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब के अंदर हमारी जो भी गैस है ना, जो हमारी नियॉन गैस है, वो नियॉन गैस धीरे धीरे हीट होगी। अब वो नियॉन गैस धीरे धीरे हीट होगी, तो हीट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग जनरेट होगी, और जैसे ही हीटिंग ज्यादा जनरेट होगी ना, तो उसके कारण हमारे इस स्टार्टर के अंदर दो कॉन्टैक्ट थे, एक था हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक था हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट, जो कि बाइमेटलिक कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो ये जो मूवेबल बाइमेटलिक कॉन्टैक्ट है ना, जैसे ही हमारी यहाँ पे ज्यादा हीट हो जाएगी इस बल्ब के अंदर, तो ये कॉन्टैक्ट हमारा मूव हो जाएगा, मतलब कि ये कॉन्टैक्ट हमारा मुड़ जाएगा। तो अब जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट मुड़ता है, तो ये हमारा ये जो दूसरा कॉन्टैक्ट है इसके जाके भिड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जनरेट शॉर्ट सर्किट। अब दोस्तों जैसे ही हमारे इस स्टार्टर स्विच में शॉर्ट सर्किट होता है, तो हम सभी को पता है शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है, काफी ज्यादा मात्रा के अंदर करंट का फ्लो होना। करंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा और करंट एकदम से इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज एकदम से काफी कम हो जाएगा। अब ये वोल्टेज कम किस लिए हो रहा है, तो वो होता है दोस्तों इस ब्लास्ट की मदद से। इस ब्लास्ट की वर्किंग हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस ब्लास्ट की वर्किंग के ऊपर भी मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अब जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा, तो हमारे वोल्टेज काफी कम हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा वोल्टेज कम होगा और कुछ समय तक हमारा जो स्विच के अंदर कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चिपके रहेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर तो अब कोई स्पार्क नहीं हो रहा, तो स्पार्क नहीं होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो हीट पैदा हुई थी वो हीट भी वापस से खत्म हो जाएगी ना। अब हीट वापस से खत्म हुई तो ये जो दोनों कॉन्टैक्ट है, ये दोनों कॉन्टैक्ट वापस से दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि हीट खत्म तो ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वापस से अपनी दिशा में आ जाएगा। तो जैसे हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट यहाँ से हटा, तो हमारा जो काफी ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा था ना शॉर्ट सर्किट होने के कारण, वो करंट अब एकदम से कम होगा, और जैसे हमारा करंट एकदम से कम होगा तो अब हमारा एकदम से बढ़ जाएगा वोल्टेज। तो यही चीज होती है, हमारा यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है हमारा करंट काफी बढ़ता है, और जैसे हमारा शॉर्ट सर्किट खत्म होता है तो उतने में हमारा वोल्टेज काफी बढ़ता है। तो अब जैसे हमारा एकदम से वोल्टेज बढ़ेगा, तो स्टार्टिंग में हमें पता है हमको किस चीज की जरूरत है, हमको हाई वोल्टेज की ही जरूरत है ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ 230 वोल्टेज है। तो जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंप्लीट होता है, जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट खत्म होता है, वापस से कॉन्टैक्ट दूर दूर होते हैं, तो करंट एकदम से कम होता है और वोल्टेज एकदम से बढ़ता है। तो जैसे ही वोल्टेज एकदम से बढ़ते हैं, तो ये 230 की जगह यहाँ पे 1000 वोल्टेज या फिर इससे भी ऊपर वोल्टेज हो जाते हैं। तो जब इतने ज्यादा वोल्टेज जाते हैं ना, तो ये जो ट्यूबलाइट के अंदर की गैस है ना, यह गैस हमारी हीट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारी जो यह प्रक्रिया स्टार्टर के शॉर्ट सर्किट होने की वापस से हटने की, ये प्रक्रिया जैसे 2-3 बार होती है, तो यह गैस इतनी हमारी हीट हो जाती है कि हमारा जो सर्किट है वो सर्किट इसी गैस के अंदर से ही बनने लग जाता है, और हमारा जो अब जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारा क्या होगा, हमारा फेस वायर आएगा, वो फेस वायर हमारा इस फिलामेंट से होता हुआ इस हमारी ट्यूबलाइट के अंदर जाएगा, और यहीं से ही हमारा जो करंट है वो हमारे न्यूट्रल के अंदर चले जाएगा। और अगर मैं इस स्टार्टर को हटा भी देता हूँ, तो हमारी जो ट्यूबलाइट है वो ट्यूबलाइट पूरी तरह से वर्क होती रहेगी, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ देर के लिए हाई वोल्टेज चाहिए था ताकि हम इस ट्यूबलाइट को है वो स्टार्ट कर सके, इस ट्यूबलाइट के अंदर की गैस को ऑर्गेनाइज कर सके। तो वह चीज हमने इस स्टार्टर की मदद से कर ली। तो अब अगर मैं इस स्टार्टर को हटा भी दूंगा तो भी मेरी ट्यूबलाइट कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वापस से एक लाइन के अंदर सारा क्लियर करूं, तो बात सिंपल सी इतनी सी है कि स्टार्टर का जो काम होता है वो स्टार्टर का काम हमारी सिर्फ ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने का होता है। एक बार हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाएगी तो मैं स्टार्टर को निकाल भी सकता हूं। और ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर इसलिए लगाते हैं, हमारी जो मेन ट्यूबलाइट की रोड होती है उस रोड के अंदर जो गैस भरी होती है उस गैस को हमारी पूरी एक बार के लिए वेपराइज होने के लिए स्टार्ट होने के लिए हमें काफी ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो वह जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज हम इस स्टार्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट करवा के ही उत्पन्न करते हैं। तो यह जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर का काम क्या होता है, हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट करके काफी ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज को बढ़ाना, जिसके कारण हमारी एक बार ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।